हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर ट्यूटोरियल। तो ये है सेकंड ट्यूटोरियल, हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट नोज। तो फ्रेंड्स, सेकंड ट्यूटोरियल है, फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर दिया है। तो अभी चलो ड्राइंग टेबल पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। सो रेफरेंस फोटो में ऑब्जर्व करके आपको शेडोज और लाइट्स को मतलब मेजर करके आपको शेडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम साइड की आउटलाइनिंग्स को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर है और आपसे आउटलाइनिंग सही तरीके से ड्रॉ नहीं होती है तो आप ग्रिड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, हाउ टू यूज़ ग्रिड लाइंस फॉर स्केच। अब फ्रेंड्स, साइड साइड के शेडोज को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ शेडोज है और उनको फिर बनाइए। तो अभी साइड की शेडोज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी डार्क लाइंस थी तो मैंने डार्क लाइन कर दिया और यहाँ पर थी शेडो। तो ऐसे ही शेडोज और इन लाइंस को आप अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपकी रियलिस्टिक ड्राइंग अपने आप क्रिएट होती जाएगी। तो अभी आपको सही दिख रहा होगा और अभी हम साइड की शेडोज, अंदर की जो ये शेडो है उसको क्रिएट करते हैं। और फ्रेंड, मैं रफ साइड यूज़ कर रहा हूँ इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए, और क्योंकि रफ साइड में इजी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। और अभी आईब्रो को क्रिएट नहीं करेंगे तो इधर आईब्रो के यहाँ से हम इसको पूरा ऊपर की ये जो स्किन है इसको पूरा हम बनाएंगे ताकि नोज़ के साइड का पूरा हो जाए। तो अभी तो यहाँ से इतना ही करेंगे हम ओनली नोज़ के लिए, क्योंकि ये नोज़ ट्यूटोरियल है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्व कीजिए और अच्छी तरह से रेफरेंस फ़ोटो को देखिए कि कैसे कहाँ पर शेप्स बन रहे हैं। और अभी मैं आपको रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर देने का बताता हूँ। पहले आप जैसे मैंने अभी ये किया है तो वैसे ही आप एक लेयर क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद में ब्लेंड हम बाद में करेंगे। और अभी इस यहाँ पर भी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने पोर्ट्रेट को ड्रॉ कीजिए ताकि जो पोर्ट्रेट है वो अच्छा भी लगे और रियलिस्टिक भी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको कर लिया है शेडोज को क्रिएट, और अभी यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं ब्लेंड। तो पहले आप लेयर क्रिएट करेंगे और उसके बाद जब आप ब्लेंड करेंगे तो ये रियलिस्टिक टाइप में लगेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर आपको डार्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि डार्क करेंगे और उसके बाद ब्लेंड होगा तब वो एकदम
रियलिस्टिक टाइप में लगता है, तो भी देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड की तो हो चुकी है ब्लेंड, ये ब्लेंड और ये थोड़ी सी डार्क और है, वैसे नहीं है फ्रेंड्स, इतना ही है। और अभी हम अंदर से शेडोज को क्रिएट करते हैं और उनको ब्लेंड करते हैं। तो जहाँ पर डार्क है वहाँ पर आप डार्क कीजिए, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट कीजिए। इसको मैंने डबल लेयर कर दिया है क्योंकि नीचे थोड़ी सी लाइट है, तो इसमें मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए आप इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। और अभी नीचे की शेडोज है लाइट, तो इसको। तो फ्रेंड्स, मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास एक्सपेंसिव पेंसिल्स है, वैसे मेरे पास है, लेकिन मैं आपको ओनली HB पेंसिल से ड्रॉ करना बता रहा हूँ, तो HP पेंसिल का यूज़ करके भी आप अच्छी रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स, जहाँ पर गलती हो जाती है ज़्यादा, मतलब अपन ज़्यादा शेडिंग कर देते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास इरेजर है, तो हम इरेज से उसको रफ़ भी कर सकते हैं बहुत इजीली। हाइलाइट्स जब हम क्रिएट करेंगे तब हम उसको इरेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको कर लेते हैं ब्लेंड। तो फ्रेंड, इसको कर लिया हमने ब्लेंड, तो बीच में भी थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं, और बाद में हाईलाइट क्रिएट करना है तो वहाँ पर हम उसको हाईलाइट क्रिएट कर लेंगे। और ये जो होल्स है वहाँ पर फुल डार्क ब्लैक है, तो हम उसको ब्लैक कर देते हैं। पहले आउटलाइंस को डार्क करना होगा ताकि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ तक हमें डार्क शेडो क्रिएट करनी है। अंदर ये हो चुके हैं डार्क, तो देखिए डार्क मैंने क्रिएट कर लिया है, और अभी हम इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेते हैं। अभी करेंगे हाइलाइट्स क्रिएट, तो यहाँ पर है हाइलाइट्स, और अब देखिए फ्रेंड्स हाइलाइट्स बताता हूँ, यहाँ से लेकर ये पूरा हाइलाइट है, और तभी मैंने इसको थोड़ा सा लाइट शेडिंग की थी ताकि आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, ये पूरा भी हाईलाइट नहीं है, इसमें थोड़ी सी स्मूथ शेडिंग है ऊपर से, तो उसको आप कर दीजिए। देखिए, और साइड से हम, तो फ्रेंड्स नोज तो हो चुका है कंप्लीट। तो इसी मेथड का यूज़ करके आप नोज के अंदर शेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा, अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने वाला है हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक फेस, फेस के अंदर कैसे आप रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट पूरा नोज़, और अभी मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बता देता हूँ। ये सिंपल नोज़ था, तो इसके अंदर बहुत ईजिली मतलब हो चुकी है शेडिंग। कुछ कुछ फेस मतलब नोज़ डिफरेंट होते हैं, तो फ्रेंड्स उनमें शेडिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उनको आप ऑब्ज़र्व कीजिए अच्छे से, और बाद में उनके अंदर
अच्छी सी शेडिंग कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।